हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद के सेकेंड डे का। ये ईद के सेकेंड डे की पिक्चर्स हैं महमूद की और मेरी। मैं रेडी नहीं हुई थी तो सिंगल सिंगल अलग अलग रेडी होकर पिक्चर्स ली थी दोनों, और इतना टाइम नहीं मिल रहा था। रात हो गई थी कि सात पिक्चर होती, तो ये अलग अलग पिक्चर्स हैं। ये जी, ये मेरा ड्रेस है, आपने महमूद की पिक्चर्स देख ली हैं। तो ये था बस ईद का सेकेंड डे। कुकिंग मैंने की थी, उसके मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया। मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं हो रहा था। और फिर ये थर्ड डे कुर्बानी थी, हुना के बगैर पहली बार। बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना, देखना। और जी, ये फिर हम आ गए थे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार। रात में मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो रही थी। फिर मैंने वहाँ जाकर अपने लिए, अपनी बहन के लिए दुआएं मांगी, और अल्लाह ताला मेरी सारी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने लोगों ने वहाँ दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे। तो हम वहाँ पे मज़ार पे गए, हमने हंस रही थी, बहुत सुकून था। जब भी इंसान की तबीयत बेचैन हो रही होती है, कोई याद आ रही होती है किसी को जो आपके अपने दुनिया से जा चुके होते, तो ऐसी ही जगहों पे जाकर या कुरान पढ़कर ही दिल को सुकून मिलता है, और किसी सूरत दिल को सुकून नहीं मिल सकता है। तो जी, ये मज़ार पे चले गए थे, स्टेयर्स चढ़ ली। तो फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था यहाँ तक। फिर मैंने दुआ मांगी, चादर चढ़ाई, चादर दी उनको, उन्होंने खुद चढ़ा दिए। और जी, ये बस ये फिर हम वहाँ दुआ मांगे और वापसी आ गए थे। ये महमूद स्लीपर्स ली, मेरे मैम ने स्लीपर्स वगैरह पहनी, और फिर हम वापसी के लिए निकल रहे थे यहाँ से। साड़ी भी शक्ल नहीं बनाओ। वहाँ से फ्री होकर हमने सोचा हम सी व्यू चले जाते हैं। वहाँ पे कार्गो बैरी जहाज स्टक हुआ हुआ था। तो ईद का थर्ड डे लग चुका था, हम रात में गए। तो फाइनली हमें वहाँ जाकर पता चला कि सी व्यू का हर जगह के रास्ते बंद हैं। हमने बहुत ट्राई किया हम किसी तरीके से हम सी व्यू ही पहुँच जाए, पर इम्पॉसिबल। रात हो रही थी तो ये सब रात की पिक्चर्स है। ये वो शिप था जिसकी वजह से सब जगह से रास्ते बंद किए हुए थे। इसको रेस्क्यू कर रहे थे कि किसी तरह निकल जाए, टीमें आई हुई थी। तो जी, हमने दूर से ही खड़े होकर वीडियो बना ली थी मैंने। और फिर पुलिस वाले बताने लगे कि क्या कहते हैं, क्या सीन है। सारा सीन उन्होंने सुनाया कि पत्नी कैसे यहाँ तक आ गया है, और ये इसके ओनर जो है उन्होंने दुबई से पत्नी कहाँ से टीमें भेजनी है, ये मैकडॉनल्ड का बैक साइड है, तो वहाँ से ये। फिर मैंने इसको थोड़ा कैप्चर करा, बस यहीं तक आ सके। और ईद का थर्ड डे था, पब्लिक भी इतनी आ रही थी। जाहिर सी बात है किसी को नहीं पता होगा कि इस वजह से सारे रास्ते बंद हैं। सब आकर वापस जा रहे थे, सब के घर कुर्बानी हुई थी, सब ऑलमोस्ट थक चुके थे, सब थोड़ा फ्रेश होना चाहते थे। पर यहाँ आकर तो पता चला भाई के रास्ते सारे बंद हैं। तो जी, ये मेरा फेवरेट गोरा गंडा खाया हमने दौरा जी पे, और फिर हम घर आ गए। तो जी, ये फ्लावर्स हैं जी, इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, माय फेवरेट फ्लावर्स। और ये हाथों के कंगन हैं जी। बस ईद ऐसी गुजरी, और ये पिक्चर्स हैं थोड़ी सी एक दो। फिर ईद का फोर्थ डे लगना था, तो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाना था, क्लास थी वो लेनी भी मस्त थी। ये वहाँ के पिक्चर्स हैं फोर्थ डे की, ठीक है जी। और बस यहीं तक का व्लॉग है। और गोश्त तो बिल्कुल आई होप शायद सबसे ही नहीं खाया जा रहा होगा मुझसे नहीं। तो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।